नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम पहुंचे हुए हैं पटना के स्टेशन पर और यहां पे जनता से हम राय लेना चाहेंगे कि 2024 में जो चुनाव होने वाली है, क्या प्रधानमंत्री के रूप में किनका चेहरा आने वाला है, क्या जनता किनको चुनने वाले हैं और इसको लेकर जनता क्या बोलना चाहती है, हम पूछना चाहेंगे। यहाँ पे काफ़ी जनता मौजूद हैं, इन लोग से हम पूछ करके ये पता करना चाहेंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेंगे। क्या भैया, क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव के बारे में, प्रधानमंत्री के चेहरा के बारे में? देखिए, बिहार में और पूरे भारत में जो चुनाव होने वाला है, आगामी लोकसभा का चुनाव, बिहार की जनता ने सबको साफ कर दिया है कि इस बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं। क्यों नहीं देने वाले? क्योंकि बिहार के लिए मोदी जी ने अभी तक कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। बिहार के बिहार में उनका सरकार बनेगा तभी ना करेगा। नहीं, मोदी जी ने अभी तक, मोदी जी को हम लोगों ने 40 में से 39 सीट दिया, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया। खाली गुजरात महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं। और जो लोग देने वाले, उन सबसे पूछिए कि वो लोग किस लिए देना चाहते हैं। यहाँ के लोग गुजरात में, गुजरात के बारे में बोल रहे हैं, कोई वहाँ लोग भी लेने लायक है और करने लायक है। यहाँ के जनता की सिर्फ आइए जॉब 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 और मिलेंगे गुजरात और बेंगलुरु में, तो ऑप्शन है ना, हो सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ क्या नहीं किए, बहुत कुछ किए। यहाँ के गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती है। आज तक उतना साल में कितना, जितना साल में नीतीश जी रहे हैं, उतना दिन में आज तक कुछ भी कंपनी एस्टेब्लिश करवाएं, कुछ भी एस्टेब्लिश करवाएं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब कुछ भी बिहार में करवाएं। और बोल क्या कहना है, कौन आने वाला है? मेरा क्या गवर्नमेंट, मोदी जी और कौन? मोदी जी, ये तो बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं, नहीं मोदी जी आएंगे बिहार में, तो मोदी जी आएंगे। 40 सीट का जो लोकसभा का चुनाव, उसमें 5 सीट नहीं निकलने वाला है पूरा बिहार में, ठीक है। लोकसभा में बीजेपी की बिहार में कितनी सीटें हैं बताइए आप पहले जवाब दीजिए। बिहार में 40 सीट है, बस भैया बता दीजिए, अब बता दीजिए। अब 40 सीट में, 40 सीट है नहीं, लेकिन 40 सीट इस बार 2024 में हम लाकर बिहार से दिखाएंगे बीजेपी से। ये बात समझ लीजिए, अगर 40 सीट नहीं लाते हैं तो 35 और 40 के बीच में हम दावा करते हैं कि बिहार सरकार भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट अगर नहीं देती है तो 35 सीट लाने का गारंटी लेती है। देखिए, बिहार की जनता, बिहार पूरे बिहार अकेले लगा, ये 40 में 40 दे देगा बिहार को, तो पूरे बिहार जीत जाएगा इसके ज्यादा मोदी। अरे तुमको एक देने से कुछ नहीं होगा, तो जितना ताकत लगाना है लगा लो। अच्छा। इस बार बिहार से बीजेपी के बहिष्कार होना तय है। आखिर क्यों? आखिर एक नीतीश कुमार को बनना तय है, जितना जोर लगाना है विरोधी को लगा ले। आप सब चुप जानते हैं, 13 में ऐसु गांड रगड़ रहे थे, 19 में ऐसु गांड रगड़ रहे थे, 23 में ऐसु गांड रगड़ रहे थे, 19 में बोले, 24 में भी बोल रहे, 13 में भी यही बात बोले थे, 14 में भी यही बात बोले, 19 में अगर बोला होता तब मतलब बीजेपी को 40 में 39 नहीं आता, 40 में 39 नहीं आता, समझे? आप इनको पता है, देखिए कुछ है नहीं, घरे से आना है, एगो ऑफिस में जाना है, 150 रुपया लेना है, एक पेज याद करना है और वहाँ के बोलना है। आपका गठबंधन कर रहे, अरे सुनो ना, मोदी का दस काम, लेकिन कांग्रेस का 4 ऐसा काम बता दीजिए जो कि भारत उठाएगा अगर बीजेपी को वोट ना करे तो। मोदी का 5 काम बिल्कुल गिना दो, अरे कोई एक गिनाओ, कोई एक पूरे भारत में 8 एम्स थी 2014 से पहले, अभी टोटल 23 है, समझ गए? जवाब ले लीजिए,
क्या जवाब? पहले लौड़ा के पहले सुन लीजिए, दरभंगा और कैमरा गाली सुनने का हालत हो गया है। मैं एक प्रश्न का जवाब दे देता हूं उनको, समझे? मोदी जी विदेश में जाते हैं, वहां बोलते हैं मैं घंटे मैं हर एक मिनट में एम्स हर एक मिनट में आईटीआई बनाता हूं, पूछ लीजिए। एकदम बिल्कुल बनाते ही है। पहले 8-8 से 23 हो गया, आपको घर में जलन हो रही है। 5 लाख रुपया सरकार दे रही है आपको, अगर बाबा सीर हो जाती है आपको, अगर अगर इनको बाबा सीर हो जाती है, 5 लाख रुपया सरकार दे रही है बाबा सीर को ठीक करने के लिए, वो दिक्कत है इनको, इनको घर कितना घंटा कितना मिनट हुआ 9 साल।